लेकिन ये सारे मामला आपकी मोहब्बतों का है। अगर आप इतनी मोहब्बत नहीं देते आपकी वजह से मकबूलियत और मकबूलियत जी से ये बात क्या बात भाई। अभी रजा साहब बोल रहे थे कि मुझे नदी जलसा ने बहुत दूर पहुंचा दिया, मेरा ये वक्त नहीं था, मेरा ये टाइम नहीं था। आप जिस वक्त जहां पड़े हैं, जिस वक्त आप पड़े हैं, आप उस वक्त वहां नहीं पड़ सके, कोई दूसरा तत्व होता वहां। क्या बात है, तो कत्ल होना बिल्कुल नहीं। तुम आसमां की बुलंदी से चलते लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी। तमाम शोरा ने एक बाप को बुलंदियों पर आसमान की सैर करा दी तमाम शायरों ने। अब हो सकता है कि शायद मुझ तक आने में आपको देर हो, इसलिए मैंने कहा कि तुम आसमान की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमीन के। बरानिस वाले लाबी ने कहा था कि नींद के शहर में आवाज का पत्थर भेजूं, क्या कोई जागे कि ना जागे मैं बराबर फेंकूं। अब मुझसे देखा ना गया झील के पानी का सुकून, क्या मेरी फितरत है कि बैठा हुआ कंकर फेंकूं। आप थक गए हैं, तालियों बजा के थक गए हैं, डांटे में थक गए हैं, और हंगामों का शायर इस तरफ से शेर पड़ता है, आप उस तरफ से दाद देते हैं, तालियां बजाते हैं। जब ये दोनों मामला बगलगीर होते हैं, इससे जो फजा बनती है उसी का इशारा कर रहा है। क्या कहें, क्या कहें, उस बात के लिए थोड़ा पूछो, तालियां बजाते हो तो थोड़ा सा दूर बैठे मेरे भाई करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। क्या ये फासले तो गलत कहते हैं, बढ़ते हैं 50-50 ग्राम। आप भी थोड़ा सा सहमत ना हो तो आप ही सही बात है। वाँ वाँ वाँ। मेरे कारोबार में सबने बड़ी उदार किया जाना के थोड़ा सा बात है। यकीन जानिए दोस्तों, परंतु मरा पहुंचे का विचार क्योंकि इंजन अब लग रहा है। अल्लाह सलामत करे, बहुत शुक्रिया। आइए शुरू करें इजाजत। हाँ, तो हाथ मुझे मालूम है कि ठंड इसके लिए से आप हाथ मार के बैठे, क्योंकि
तो हम लोगों ने चढ़ लग रही है, लेकिन आप हाथ बांध के बैठे कैसा मुझे होगा, पता नहीं कब कौन बस आपको अच्छा लगता है, आपको शरीर करना पड़ जाए तो आप बिल्कुल तैयार बैठे बिना बैठे ड्राइवर से बदल में बैठ के सोया नहीं जाते खंगाले कैसे पिछले साल में आया था, बहुत अच्छा मिजाज था आपका, मुझे मालूम है कि वरुण के जो लोग वो शायरी सुनते भी शायरी खाते खिलाना चाहता हूँ आपको अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, इस मतले का यही हश्र होता है जो 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 हाल इस मतले का भी हुआ, यही हाल इसका पूरे मुल्क में होता है, लेकिन इस मतले के सहारे मुझे एक शेर पढ़ना, तमाम शोरा की शिरकत, अगर इस शेर में बोलोगे तो कुछ देर में आपकी खिदमत कर दूंगा, मुझे लगेगा कि आप शायरी सुनने वाले लोग बैठे हैं। दिल तेरी छीन सी आंखों को खुमा ले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, जिसने दिया शोटों पे मुझे चलने का, क्या कहने रुक जिसने दिया शोटों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले उनको तालियां बजा दो, अब वही पूछ रहा है चलने का, क्या कहने क्या जिसने दिया शोरों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले अब इन कौन के हवाले से शेर पढ़ता हूँ, जिसने दिया शोरों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के दीवाले आए जिंदाबाद जिंदाबाद, ये तेरे हाथ में सोने के दीवाले, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये तेरे हाथ में सोने के दीवाले कैसे, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के दीवाले कैसे, आरजी घर के दरो बाम सजाने वाले, आरजी घर के दरो बाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे, जिंदाबाद जिंदाबाद, आरजी घर के दरो बाम सजाने वाले, क्या देने फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे, बाबू को जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे, अब वही पूछ रहा है इसका क्या कहने का, थोड़ा उन्हें इसका बेस कर दो और हल्का सही को दे, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे, और वो शेर सुन लीजिए बहुत अच्छा सुना आपने, अल्लाह सलामत रखे, चल शेर और पढ़ता हूँ, मतलब है कि सुलगते गुल सीता को मिसले जन्नत कौन करता है, क्या सुलगते गुल सीता को सुलगते गुल सीता को मिसले जन्नत कौन करता है, मगर ये काम कर जाने की जुरत कौन करता है, अब ये शेर पढ़ता हूँ, कायनात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है, क्या कहूँ ये सारे माँ के लाल बैठे, अब देखना अब देखना मुझे शेर, सुलगते गुल सीता को मिसले जन्नत कौन करता है, मगर ये काम कर जाने की जुरत कौन करता है, मेरी बीवी भी है बहने भी हैं भाई भी हैं, लेकिन मेरी बीवी भी है बहने भी हैं भाई भी हैं, लेकिन बस एक माँ के सिवा मुझसे मोहब्बत कौन करता है, मेरी बीवी भी है बहने भी हैं भाई भी हैं, लेकिन बस एक माँ के सिवा मुझसे मोहब्बत कौन करता है, अनाकोचर से हमने हम सफर अपना बनाया है,
ना को जब से हमने हम सफल अपना बनाया है, इमामत किसको करनी थी, इमामत कौन? अब ये शेर भक्तों समाज करवा है, एक एक परिंदों का झुंड होता है, शायद बुजुर्ग देखे होंगे, ये नई नस्ल के लोग तो मुझे नहीं लगता कि शायद देखे होंगे, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे वो देखे होंगे, एक झुंड एक परिंदों का झुंड आसमान पे कभी कभी दिखाई देता है, वो उसी उसका वक्त उठता है कि कभी वो 5 साल के बाद, कभी 8 साल के बाद, कभी 10 साल के बाद, कभी 15 साल के बाद, एक मर्तबा उसका बुजुर्ग होता है। हमारे यहाँ उसको पड़ाकुड़ कहा जाता है, तुम्हारे इलाके में क्या कहा जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वो परिंदों का झुंड आसमान पे जब सफर करता है तो कभी वो हर्फ बन जाता है, कभी लफ्ज बन जाता है, कभी अल्फाज बन जाता है। वो परिंदे इस अंदाज से, इस हिसाब से होते हैं कि नीचे से आदमी पढ़ लेता है कि क्या लिखा जा रहा है। अब एक शेर मैं बताता हूँ और आप सुन के बताएं, बस माँ के सिवा मुझसे मोहब्बत कौन करता है, परिंदों से लिखा कलमा मोहम्मद का फजाओं में, परिंदों से लिखा कलमा मोहम्मद का फजाओं में, जमीने आसमां पर ये किताबत कौन करता है, परिंदों से लिखा कलमा मोहम्मद का फजाओं, जमीने आसमां पर ये किताबत, जमीने आसमां पर ये किताबत कौन करता है, फकीरों की सफों में बैठ कर देखो मियां वाहिद, पता चल जाएगा तुमको सखावत कौन है, फकीरों की सफों में बैठ कर देखो, पता चल जाएगा तुमको सखावत कौन करता है। बहुत शुक्रिया जमीर भाई, आवाज कम करने का बहुत शुक्रिया। तो शायरी कितनी भी कहते हो तो सुना दी जाए, जब तक गाएंगे नहीं तो आदमी को लगता है कि अधूरा लग रहा है। दो तीन शेर पढ़ता हूँ समाज से, इतना आखिरी वक्त इतना वक्त नहीं है कि मतलब मैं शोरा बिरादरी का भी बिरादरी के लोगों का नाम ले सकूँ, इसलिए मुश्तरक तौर पर जितने शोरा का मौजूद है सारे लोगों को शहीद करता हूँ और चंद शेर पढ़ता हूँ समाज पर। मैं क्या ला सकोगे, क्या ला सकोगे, क्या ला सकोगे, क्या ला सकोगे, जंग का नक्शा लपेट कर क्या ला सकोगे, क्या ला सकोगे, जंग का नक्शा लपेट कर क्या ला सकोगे, जंग का नक्शा लपेट कर, तुमने तो रख दिया, तुमने तो रख दिया है मुसल्ला लपेट कर, तुमने तो रख दिया के जंग का नक्शा लपेट कर, तुमने तो रख दिया, तुमने तो रख दिया है मुसल्ला लपेट कर, तुमने तो रख दिया, अब किस लिए खड़े हो ये पत्थर बने हुए, अब किस लिए खड़े हो ये पत्थर बने हुए, वो कब का जा चुका, वो कब का जा चुका है तमाशा लपेट कर, वो कब का जा चुका लपेट कर। तरबला जो है कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो नहीं जानता, सब जानते हैं। देखिए शायरी कैसे बनती है, अगर अच्छा लगे कि अच्छा शेर हो गया है तो मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजना। वो कब का जा चुका है तमाशा लपेट कर, राहे वफा में फूल बिछाने गया था वो, राहे वफा में फूल बिछाने गया था वो, राहे वफा में फूल बिछा
ऐसा ने गया था वो जो आ रहा है, जो आ रहा है पैरों में छाला लपेट कर, जो आ रहा है पैरों में छाला लपेट कर। देखिए जब कोई अच्छा शेर पढ़ा जाता है, आप लोग डाल नहीं देते, खामोश बैठे रहते हो, तो डाइस पर एक बातें होती है आपस में, क्या मतलब अच्छा शेर पढ़ा गया और ये यार डाल नहीं दे रहे, तो बात होती है, कोई एक दिन बोलता है कि यार वो कब पढ़े लिखे मेरे भाई, जब कोई ये बोलता है यार मैं शेर समझता नहीं है, तो मैं एक नुस्खा बताऊं आपको शेर अच्छा ना लगे, शेर को कब्बल भर फूट डाल दिया करो, ताकि आप लोगों का दबदबा हो, आप डाइस वालों में कायम रहे, पढ़े लिखे लोग है ना, अच्छा शेर ऐसे ना निकल जाए, सब हमें लगता है जो आ रहा है पैरों में, हम लोग भी इशारा करवाते हैं, ये जब से 10 बजे का ये मामला आया है तो बहुत अफरा तफरी बड़ा उलझा, वो कन्वीनर चाहता है बेचारा कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे मैनेज करता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जमे भाई को कोई तकलीफ है, हम सबको पढ़ने चले गए। जो आ रहा है पैरों में छाला लपेट कर, अपने भी सर को टोपी की हाजत नहीं रही, अपने भी सर को, अब ये बहुत खतरनाक तंज है और शोखी भी है, समझ फरमाए, अपने भी सर को टोपी की हाजत नहीं रही, अपने भी सर को टोपी की हाजत नहीं रही, उसने भी रख दिया, उसने भी रख दिया है दुपट्टा लपेट कर, उसने भी रख दिया, भी रख दिया, अपने भी सर को टोपी की हाजत नहीं रही, उसने भी रख दिया, उसने भी रख दिया है दुपट्टा लपेट कर, उसने भी रख दिया, वो सिर्फ अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा, वो सिर्फ अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा, वो सिर्फ अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा, जो फिर रहा है, जो फिर रहा है तन पे उजाला लपेट कर, जो फिर रहा है तन पे उजाला लपेट कर। और बहुत शुक्रिया तमाम शोरों ने, बड़ा अच्छा अच्छे अच्छा अशआर पढ़े, आपने मोहब्बतों से नवाजा, खास बात आज मेरे लिए ये है कि भाई मेरी सखावत है, मैंने पहली मरतबा निजामत करते हुए शायरी के हवाले से सुनना सुनाना तो बरसों से होता है, ये इन्होंने उस्ताद आमिन एजाज का नाम जिक्र किया, मेरे ख्याल से 27-28 बरस पहले की बात है ये, जब आमिन एजाज हुआ करते थे बेचारे, इंतकाल हो गया हमारे पहुंचे अजीज, तो लेकिन आज पहली मरतबा मैंने देखा बहुत अच्छी निजामत, बहुत अच्छी वक्त पर जिस शेर का इंतखाब होना चाहिए वो वक्त पर इन्होंने आपको बांध ही रखा, इन्होंने ना अलग नहीं होने दिया, इस बस को इन्होंने जिंदा रखा, इसके लिए खास तौर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब दो तीन शेर और पढ़ दें कि बस एक नज़्म कहूँ मैं, वो पढ़ दें उसके बाद इजाजत सुनना चाहते हैं ना आप लोग, हाँ जब भी थक जाए ना तो आपस में मशवरा कर लो, कोई भी एक या दो आदमी उठ के जाने लगना, बस समझ जाओ कि मुझे पढ़ जाना तुम मोड़ दिए जाओगे
किसी जुल्म से तुम छोड़ दिए जाओगे, पहले तारीफ से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुल्म से तुम छोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह नया रोल है, पता नहीं कहां कहां से गुजर के आए। की तरह तोड़ दिए जाओगे, ये चार दूसरे भी सुन लिए भाई सभाओं ने सुनाया है। काला थन ढूंढा जा रहा है, काला थन ढूंढने वालों को ये नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ ढूंढी जाती है। अब अगर आपके दिल की बात देखिए, शायर जो होता है वो आपका तर्जुमान होता है, जो बात आप महसूस करते हैं सोचते हैं वो शायर उसको बयान कर देता है, क्योंकि शायर के पास ये जरिया है, ये डाइस है, ये माइक है, आपके पास जरिया भी, इसलिए आपसे वो महसूस करते हैं, शायर आपकी बात करता है। तो अगर आज लगे कि आपकी बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ समाकर तमाम लोगों की शिरकत होनी चाहिए। समाकर में खुदा की राह में जो अपना मान देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं, खुदा की राह में जो अपना मान देते हैं, हराम वाली मुसीबत को टाल देते हैं, हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं, हम अपने माल का सदका निकाल देते जब तक आप पूरी तरह से बेदार नहीं हो जाओगे, आपकी दादो तहसीन की आंच मेरी समाज तक नहीं पहुंचेगी, मैं पहला पद नहीं पढ़ पाऊंगा। ये नज्म हंगामा चाहती है, हंगामा चाहती है, थोड़ा सा जुड़ जाए, उसके बाद पांच मिनट मुझे दे दे, 55 मिनट में इंशाल्लाह आपको मैं समाज लूंगा। आप 5 मिनट में समाज लो, इससे नाम रहेगा, घर घर में रहेगा ये सर आप रहेगा, दुनिया में सदा मजहब
इतना में रहेगा दुनिया में सदा मजहब इतना में रहेगा इतना में रहेगा जब तक मेरे सरकार का पैगाम अरे क्या बात, ये सबसे बेहतरीन था। इस पे आप लोगों को आपको इजाजत है कि आप किस दान की आप अमल कर सकते हो। मैंने एक झूठा बोला, शायद आप नहीं सुन पाए, मैं दोबारा बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ये जो दाद आई है, इस दाद ये इस तरह की दाद देने से आप अमल कर सकते हैं। वो जमाना था कि रिवायत नहीं थी, सारी रिवायतें जब टूट चुकी हैं तो फिर इतनी बढ़िया वाली रिवायत। कलाम पढ़ के भगवान लाखों रुपये कमा सकता है, और जिसका कलाम है वो नहीं दे इस नाम रहेगा घर घर में रहेगा, ये सर आम रहेगा दुनिया में सदा मजहब इस नाम रहेगा जब तक मेरे सरकार का पैगाम रहेगा। इस नाम रहेगा पाबंदियां लगाओ हमारे बयान पर, पाबंदियां लगाओ हमारे बयान पर, रोगनियां उठाओ पेदानी अजान पर, रोगनियां उठाओ पेदानी अजान पर, पेदानी अजान पर जब तक रहेगा कलमा हमारी जबान पर। शायर अगर पढ़ता है और उसके पढ़ते वक्त अगर कोई जाता है तो ऐसा लगता है कि सीधे चल जा रहे हैं। आप लोगों के इत्मीनान के बाद जमीन पटेल साहब का एक हुक्म है, वो भाई भाई इंशाल्लाह पूरा करेंगे, वो सुन के ही जाना है। इस नाम रहेगा और थोड़ा सा छोड़ जाए। इस नाम रहेगा इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, पढ़ता ही रहेगा ये घटाया न जाएगा, पढ़ता ही रहेगा ये घटाया न जाएगा, घटाया न जाएगा, मिट जाओगे इस नाम मिटाया न जाएगा। इस नाम रहेगा जब तक जमीन पे तैबा नगर की बहार है, जब तक जमीन पे तैबा नगर की बहार है, जब तक हवा में करबो बला की पुकार है, जब तक हवा में करबो बला की पुकार है, बला की पुकार है, जब तक हमारे सजदों में परवर दिलार है। इस नाम रहेगा दुनिया की तीन।
जिंदगी में उजाला यही तो है। अच्छा है, टाइम करें टाइम करें। इतना रहेगा जिंदगी में रहेगा दुनिया की तीरगी में उजाला यही तो है। कुरान और खुदा का हवाला यही तो है। कुरान और खुदा का हवाला यही तो है। हवाला यही तो है जिसको नबी ने गोद में पाला यही मोहब्बतों से नवाज दे ताकि लगे कि ये बस कामयाब रही और हम अपने आप को महसूस करें कि हम कामयाब लौट रहे हैं। ऐसा लगे कि ये रात का 9 बजे अब ये मुशायरा शुरू हो रहा है। मोहब्बतों से नवाज दे। सबीर भाई की मोहब्बत जिंदगी की मेहनत है वो कारावत साबित हो जाए। मत पढ़ता हूँ सवाल है। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा। सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा कुछ दिन के लिए ख्वाजा की खिदमत में रहेगा। कुछ दिन के लिए ख्वाजा की खिदमत में रहेगा, खिदमत में रहेगा जोगी से मिलेगा तो ये योगी। सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा कुछ दिन के लिए ख्वाजा की खिदमत में रहेगा, खिदमत में रहेगा जोगी से मिलेगा तो ये योगी भी कहेगा। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम।